चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। कितनी बार बोला है आपको सुबह थोड़ा जल्दी जाकर दूध लाया कीजिए, मुझे फ्रेश दूध से ही कॉफी पीना पसंद है। बहू, उम्र हो गई है, अब सुबह जल्दी उठा नहीं जा रहा, फिर भी मैं रोज 7 बजे तक दूध तो ले आता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। एक दिन चाय नहीं पियेंगे आप तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा और कल से सुबह जल्दी भी उठा जाएगा। ये है गीता, योगेश जी का इकलौता बेटा, सुमेश की पत्नी। बाकी रहा गीता का अपने ससुर जी के साथ बर्ताव तो आप अभी अभी खुद देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महारानी जी, हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे, आपके बेटे का ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा और मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है, फिर बिट्टू को स्कूल के लिए तैयार भी करना है आपको। बहू, बिट्टू खेलते खेलते मेरा चश्मा तोड़ दिया है, 4 दिन हो गए, सब्जी काटते समय भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, आज मेरी उंगली कट गई, इसीलिए थोड़ा देर हो गया, तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी नाश्ता बना दूंगी। वो महाराजा दूध लाने के लिए सुबह उठ नहीं पाते और ये महारानी कुछ ना देख पाने का नाटक कर रही है। इस महीने का पूरा तनख्वाह खर्चा हो चुका है, अगले महीने बनेगा आपका चश्मा, तब तक आंख खुला रख के काम कीजिए। पर बहू, आगे फिर से कुछ गड़बड़ की तो बाबूजी के साथ तुम्हारा भी चाय बंद कर दूंगी। हाँ, ये है योगेश जी के पत्नी सुमित्रा देवी। अपने इकलौते बेटे को ढेर सारा प्यार और उम्मीद से बड़े किए थे ताकि उनका बुढ़ापा थोड़ा सुकून से गुजरे, पर अब बहू ऐसी मिली है जिसके वजह से घर छोड़कर और कहीं जा नहीं सकते, ना ही खुद के घर पे सुकून से रह सकते। पर उनका बेटा सुमेश अपनी बीबी की हरकतों से अनजान था। अरे, आप उठे नहीं अभी तक, उठ जाइए ना, लेट हो जाएगा आपको। तुम्हारा सुबह का सारा काम खत्म हो गया क्या? अरे कब का खत्म हो गया, माँ बाबूजी को अदरक वाली कड़क चाय दे दी, बिट्टू को स्कूल के लिए तैयार कर दिया और आपका मनपसंद पूरी सब्जी भी बना दिया है। वाह, पत्नी हो तो ऐसी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गीता। अरे वाह, रोज बिना कुछ काम किए सारा क्रेडिट गीता को मिल जाता था। खैर, हम क्या कर सकते हैं। फिर सुमेश ऑफिस के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने आ गया। ये लीजिए आपका मनपसंद नाश्ता, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे वाह, एकदम माँ की हाथों का टेस्ट आ रहा है, तुमने तो वाकई माँ से सब कुछ सीख लिया। और माँ बाबूजी कहाँ गए? अरे वो नाश्ता करके अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। सुमेश ऑफिस जाने के लिए गाड़ी निकाल ही रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ी बगीचे में काम करते हुए उसके बाबूजी के ऊपर। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं, आप नाश्ता करके थोड़ा आराम कीजिए। अरे मैंने कितनी बार बोला है बाबूजी थोड़ा आराम कीजिए, पर नहीं, इनको तो बगीचे में ही असली आराम मिलता है। योगेश जी अपने बेटे को कुछ बोलने से पहले गीता सुमेश को समझा बुझा कर ऑफिस भेज दी। सच कह गए हैं बुजुर्ग लोग, आंखें मुंह से ज्यादा बोलती है, इसे पढ़ने की कोशिश करें। पर सुमेश तो पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ था और इधर गीता बस नाम से ही गीता थी, पर मुंह से तो हमेशा गाली ही निकलता था। बाबूजी, अगर आप कभी भी सुमेश को कुछ भी बोलने की कोशिश भी किए तो मैं बिट्टू को लेकर हमेशा के लिए मेरे मायके चली जाऊंगी, फिर देखना आपके बेटे का क्या हालत होता है उसके बाद। और हाँ, गार्डन अच्छे से साफ कर देना। क्या चल रहा है यहाँ पे? केबल का बिल भी आप दोनों से एक वक्त का खाना बंद करके वसूल करूंगी, याद रखना। बहू, थोड़ा न्यूज तो देख लेने दो। क्यों, यूपीएससी एग्जाम देना है जो न्यूज देखोगी बैठकर? और डिनर कब बनेगा, बेटा आने के बाद उसे दिखा दिखा के काम करोगी? नहीं बहू, मैं अभी बना दूंगी। और खबरदार, जो अपने बेटे से कुछ शिकायत की तो तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी को दहेज के लिए बहू पे जुल्म करने के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगी। हाँ बहू,
हम तुम्हारा कहा सब कुछ मानते हैं, फिर तुम क्यों हमसे ऐसा बर्ताव करती हो? क्या गलत कर दिया है हमने? तुम दोनों के खाने पीने मेडिसिन में जितना खर्चा जाता है उसमें तो मैं एक नौकरानी भी रख लूंगी और अपने लिए हर महीने 3-4 नए साड़ी भी ले सकती हूँ। पर मेरा नसीब तो फूटा हुआ है जो आप दोनों मेरे सर पे शनि बन के बैठे हो। आप दोनों कहीं चले क्यों नहीं जाते? बहू, बाबूजी से ऐसे बात मत करो, वो दिल के मरीज हैं। आ हा 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 हा। गीता उस दिन सुमेश के माँ बाबूजी दोनों को बहुत गाली की और घर से निकल जाने को सीधा सीधा बोल दी। अब योगेश जी भी अपनी बुढ़ी पत्नी को कितना सहते देखते भला। दोनों पति पत्नी तभी मजबूरी से घर छोड़ के निकल गए और रात को सुमेश घर पहुँचा। माँ माँ, ये लो आपका चश्मा बन गया। चश्मे का क्या फायदा? क्या हुआ, माँ कहाँ है? आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए डिनर भी थोड़ा लेट बनाया और माँ बाबूजी दोनों गुस्सा होकर घर छोड़ के चले गए। अरे, इतनी सी बात पे कोई घर थोड़ी छोड़ता है। ये बस आज की बात नहीं है, आपके माँ बाबूजी दोनों मुझे रोज रोज खरे खोटे सुनाते हैं। गीता अच्छा खासा नाटक करके सुमेश को ये एहसास दिला दी कि उसके सास ससुर दोनों उस पे रोज जुल्म करते थे, बेटा ऑफिस जाने के बाद मारते थे और घर से निकाल देने की धमकी भी देते थे। सुमेश ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गया, पर कभी ये नहीं सोचा कि माँ बाबूजी के साथ खुल के बात कर ले। ऐसे कुछ दिन बीत गए और गीता भी एक नौकरानी को घर पे रख ली थी। रोज बाजार जाना, खुद के लिए नए नए चीजें शॉपिंग करना, ये सब कब से शुरू हो गया था? इतने सारे नए ड्रेस, वो भी मेरे पसंद के, अभी तैयार हो जाती हूँ और मेरे माँ पापा से मिल के आती हूँ। हाँ सुधा, सुधा जी मालकिन, सारा काम खत्म करके बिट्टू को स्कूल से ले आना और डिनर में आज चिकन बना देना, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। ठीक है मालकिन। काम वाली को सारा काम समझा के गीता सज धज के अपनी मायके चली और उधर सुमेश के ऑफिस में। सुमेश भाई, क्या हालचाल? सब बढ़िया, आप बताओ। एक बात पूछूं, थोड़ा पर्सनल है। अरे पूछना, तेरे मेरे बीच में पर्सनल क्या है? अंकल आंटी को घर वापस क्यों नहीं ले आते? उनका हालत मुझसे देखा नहीं जा रहा। मतलब? हमारे ही अपार्टमेंट में आंटी एक घर पे काम करने आती हैं। एक बार अचानक मिल गए तो सच छुपा नहीं पाए। क्या बोले? अरे आंटी तो फिर भी सब कुछ अच्छे से छुपा दी, पर मैंने जब अंकल को वो किराना दुकान में काम करता देखा तो। गीता खुशी खुशी घर पहुंच के डोरबेल बजाई। अब तू आ गई। भाभी क्या हुआ है आपको? जल्दी निकल यहाँ से, हर महीना शक्ल दिखाने आ जाती है और साड़ी चूड़ी पैसा सब लेकर जाती है यहाँ से। नहीं भाभी, मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, माँ पापा से मिलना है मुझे। तेरे माँ बाप को मैंने घर से निकाल दिया है, हर महीना इतना सारा दवाई खाना पीना ये सब कौन करता? तू करती आकर, बोझ बनकर बैठे थे घर पे। पर वो कहाँ चले गए? क्या पता, कहीं भीख मांग रहे होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, अब गीता को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी। फिर वो अपने माँ पापा को ढूंढने निकल गई। पूरा दिन ढूंढ ढूंढ के भी उसे कहीं पर भी उसके माँ पापा नहीं मिले, पर सुमेश के बाबूजी नजर आ गए। फिर से नुकसान कर दिया, अगर आंखों को दिखाई नहीं देता तो काम करने क्यों आ जाते हो? बेटा बेटी मर गए हैं तुम्हारे, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गीता को अपनी गलती का एहसास होने पर वो बाबूजी और माँ दोनों को घर वापस ले आई और तब तक सुमेश भी घर पहुँच चुका था। पर सुमेश कुछ पूछने से पहले ही गीता अपनी सारी गलतियाँ मान ली।
और सबको फिर से माफी मांग के एक अच्छी शुरुआत की। पर गीता के मन में अपने माँ पापा के लिए बहुत दुख था। वो रोज मंदिर जाती थी और अपने माँ पापा को ढूंढती थी कि शायद कभी वो दिख जाए उसको, पर उसे क्या पता था कि ये पूरा नाटक उसके भाभी ने उसको सबक सिखाने के लिए ही किया था। असल में गीता के मायके में सबको उसके करतूतों के बारे में पहले से ही पता चल गया था। देख प्रियंका, अच्छे से सोच ले, अगर तुझे बुरा लगा तो? बुरा लगेगा, दर्द होगा, रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, पर सच तो सामने आ जाएगा ना। मुझे इतनी तो तसल्ली मिल जाएगी कि मेरा रिलेशनशिप एक अच्छे लड़के के साथ चल रहा है या नहीं। विनीता और प्रियंका उनके कॉलेज के हॉस्टल में रूममेट्स हैं। दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं और परेशानी का हल निकालने की सोच रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब तो फोन लगा और सब कुछ बोल दे सीधा सीधा। प्रियंका हिम्मत जुटाकर अपने बॉयफ्रेंड वीर को फोन लगाती है। हेलो बेबी, क्या बात है? हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बोलूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधा सीधा बोलो बेबी, क्या बात है? शॉपिंग पे जाना है या कहीं घूमने का प्लान बनाए? नहीं वीर, बात वो नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम तो पिल्स ले रही थी बराबर से, फिर क्यों ऐसे फालतू की बात कर रही हो? तुम्हें ये फालतू बात लग रहा है? देखो, आई डोंट नो, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। पता नहीं किसके साथ सोकर आई है और मेरे ऊपर थोप रही है। मैं कैसे मान लूं ये मेरा बच्चा है? तुम्हें रखना है रखो, गिराना है गिराओ, पर मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत करो, समझ गई? वीर, ऐसे मत बोलो। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, पता नहीं और कितनों के साथ रिलेशन में है। आगे से मुझे कभी भी कॉल मत करना, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। नॉनसेंस। ऐसे कड़वी बातें सुनाकर प्रियंका का बॉयफ्रेंड वीर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और प्रियंका फूट फूट के रोने लगी। ये क्या हो गया, मैं क्या करूं? देखा प्रियंका, मैं बोल रही थी मत बात कर इस बारे में। जो भी हो, सच तो सामने आ ही गया। मैं पिछले 5 सालों से एक घटिया मतलबी खुदगर्ज इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी। थैंक गॉड आई एम सेफ नाउ। सोच, अगर ये प्रेगनेंसी की बात सच होती तो क्या करती मैं, कहाँ जाती और किसको बताती? प्रियंका अपनी प्रेगनेंसी का झूठा बहाना बनाकर उसके बॉयफ्रेंड वीर का टेस्ट ले रही थी कि सच में वीर एक अच्छा लड़का है या नहीं। अब सच तो सामने आ ही चुका था। दोनों रूममेट्स बहुत दुखी थे। कभी नहीं सोचे थे कि 5 साल से चलती आ रही इतनी अच्छी रिलेशनशिप की बुनियाद बस घूमना फिरना, मजे लूटना और ऐश करने पर ही टिका था। प्रियंका, प्रियंका, चल कॉलेज चलते हैं, तू 2 दिन से बाहर भी नहीं निकली है, ऐसे अकेले पड़ी रहेगी तो बीमार हो जाएगी, चल चल चलते हैं हम। प्रियंका अपने टूटे हुए दिल को संभालकर आगे की पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करने की ठान ली। फिर दोनों सहेलियां मिलकर पहले के जैसे खुश रहने लगे। प्रियंका भी धीरे धीरे वीर को भूलने लगी थी। ऐसे ही 1-2 महीने बीत गए। फिर एक दिन कॉलेज से वापस आते समय अचानक से विनीता की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ विनीता, तू ठीक तो है ना? पता नहीं, तबीयत सही नहीं लग रहा। इतना बोल के विनीता वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया और वो तुरंत ही एक टैक्सी में विनीता को पास के एक हॉस्पिटल में ले गई। देखो, आप दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हो, गलती हर किसी से होती है, कोई गलत कदम मत उठा लेना। पर बात क्या है डॉक्टर? विनीता प्रेग्नेंट है। क्या? विनीता प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर बहुत डर जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता अब वो क्या करे। प्रियंका उसे संभाल कर हॉस्टल ले आती है। विनीता, मुझे लगता है हमें तुम्हारे पेरेंट्स को सब सच सच बोल देना चाहिए। तुम पागल हो गई हो, माँ मुझे मार डालेगी,
मैं नहीं बोल सकती ये बात, प्लीज। तो फिर एक काम करो, विकी को ही बोल दो, शायद वो इस हालत को समझे और कुछ मदद करे। प्रियंका के समझाने पर विनीता अपने बॉयफ्रेंड विकी को फोन लगाती है, जो उनके साथ ही उसी कॉलेज में पढ़ता है। हेलो बाबू, तुम मुझे अभी हॉस्टल के बाहर मिल सकते हो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई है। आई नीड टू मीट यू नाउ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। विकी ठीक 5 से 7 मिनट में आकर हॉस्टल के बाहर पहुंच जाता है विनीता से मिलने। वहां पर विनीता और प्रियंका पहले से ही खड़े हुए मिलते हैं। अच्छा आप दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। प्रियंका विनीता और विकी को स्पेस देकर वहां से थोड़ी दूर खड़ी रहती है। क्या बात है बाबू, सब ठीक तो है ना? आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट, आर यू मैड? ये क्या बोल रही हो? हम बस 20 साल के हैं और इस उम्र में माँ बाप बनना समझ रही हो? कॉलेज के दोस्त कैसे कैसे बातें करेंगे, और मम्मी पापा से कौन बात करेगा इस बारे में? मुझे नहीं पता कैसे डील करना है इसके साथ। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तुम्हें जो करना है करो, बस मुझसे ये सब संभला नहीं जाएगा, मैं चलता हूँ। विकी, विकी, मैं अकेले क्या करूँ? आई डोंट नो अबाउट इट। विकी विनीता के प्रेगनेंसी की बात सुनकर घबरा के वहां से चला गया और विनीता एकदम होपलेस हो गई। प्रियंका। मत रो विनीता, हम मिलके कुछ करेंगे, चल रूम पे चल के बात करते हैं। दोनों अपने रूम में आए और विनीता की आंसू पोंछते पोंछते रात भी हो गई और दोनों कब सो गए पता भी नहीं चला। सुबह दोनों की नींद खुली विनीता की मोबाइल पे एक रिंग आने पर। अरे ये क्या, विकी का कॉल? विकी का कॉल है। हाँ तो पिक कर, अब क्या बोलना चाहता है पूछ ले। हाँ बोलो। विनीता मुझे कॉलेज स्क्वायर के कॉफी हाउस में अभी मिल सकती हो क्या? क्यों, और जलील करना है मुझे और रुलाना है? बस करो, अब ये मेरी परेशानी है, मैं संभाल लूंगी। प्लीज डोंट कॉल मी। प्लीज विनीता, आई रिक्वेस्ट यू, एक बार आ जाओ। विकी के रिक्वेस्ट करने पर विनीता ना चाहते हुए भी कॉफी हाउस जाने के लिए तैयार हो गई और साथ में प्रियंका भी चली। आ गई तुम, आओ मेरे साथ। जब प्रियंका और विनीता विकी को फॉलो करके एक टेबल के पास पहुंचे तो वहां पर ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये है विनीता। बैठो। देखो बेटा डरो मत, गलती हम सबसे हो जाती है, आखिर हम इंसान ही तो हैं और आप लोग तो बच्चे हो। मुझे विकी ने कल रात को सब कुछ बता दिया और सुबह होते ही हम दोनों तुमसे मिलने आ गए। हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर बात करेंगे, कुछ ना कुछ हल जरूर मिल जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी। विनीता विकी की माँ से इतनी प्यार भरी बातें सुनकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो विनीता, कल मैं बहुत डर गया था, समझ नहीं आया क्या करूँ इस सिचुएशन में, इसीलिए भाग आया वहाँ से। I'm really sorry विनीता। हम तो खुश हैं इस बात से कि तुम लोग अपनी गलती को छुपा के कोई दूसरा गलत कदम नहीं उठाए और हमें सब कुछ सच सच बोल दिए। हाँ बेटा, हम लोग तुम्हें थोड़ा डांटेंगे गाली करेंगे पर तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे। चलो विनीता, अभी हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलेंगे और सब सॉल्व हो जाएगा। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो उसे मिलजुल कर सॉल्व करना चाहिए, ना कि कोई दूसरा गलत कदम उठाए और ना ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए। अम्मा अप्पा, हम ऑफिस निकल रही। माँ कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, अपना ध्यान रखना और सुनो जल्दी घर आ जाना दोनों, मैं खीर बनाऊंगी आज। ठीक है अम्मा। राजलक्ष्मी और राकेश ऑफिस के लिए निकल रहे थे और उसी समय उसकी ननंद रानी और उसका पति रोहित घर पे आकर पहुंचे। नमस्ते भाभी। अयो रानी, रोहित भैया आओ आओ अंदर आओ। अम्मा अप्पा देखो कौन आया है। रानी रोहित, बेटा सब ठीक तो है ना? अरे अरे आप सब घबराइए मत, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ माँ
हम तो भाभी को थैंक यू बोलने आए हैं। हाँ भाभी, आपके दिए हुए पैसों से हमारा बिजनेस फिर से अच्छा प्रॉफिट देने लगा है। थैंक गॉड, वेरी नाइस। हाँ भाभी, हम आपसे जो पैसे लिए थे वो आपको लौटाने आए हैं। आपका पैसा हमारे लिए बहुत लकी रहा भाभी। अयो थैंक यू, नो प्रॉब्लम। माँ, बाबूजी, और एक गुड न्यूज है, हम न्यू कॉलोनी में घर बना रहे हैं। वाव, तो फिर हम तो पड़ोसी बन जाएंगे। हाँ भैया, पर जब तक घर का काम खत्म नहीं हो जाता हमें कुछ महीनों के लिए एक किराए के मकान चाहिए। तो पास में कोई अच्छा मकान होगा तो बताइए देख के। रानी, ये क्या बात है, तुम किराए के मकान में रहोगे, वो भी हमारे घर के पास? जब तक तुम्हारा नया घर का काम खत्म नहीं हो जाता तुम दोनों यहीं पर हमारे साथ रहोगे, समझ गए? शेरी रानी, हम सब मिलके रहेंगे तो खूब मजा आएगा। अच्छा ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के साथ बहस नहीं करना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, शाम को मिलते हैं। राजलक्ष्मी और राकेश ऑफिस निकल गए और शाम को, बाबूजी, दारू के बिना लाइफ तो बेकार है, क्यों? हाँ बेटा, हर मौके पे दारू हो जाए बस, गम में, खुशी में, महफिल में, मातम में। दारू हर वक्त का साथी है बाबूजी। जब रोहित और उसके ससुर जी दारू के नशे में धुत हो गए थे तब राजलक्ष्मी और राकेश ऑफिस से घर पहुँचे। अरे राकेश भैया, भाभी आओ, आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, शैंपेन खोलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सेलिब्रेशन तो बनता है भाई। शिवा शिवा, हम दारू नहीं पीता जी, हम जूस लेके आता। हाँ भाभी, पता था मुझे, इसीलिए मैं जूस बना के रखी हूँ आपके लिए। रोहित की बिजनेस सक्सेस होने की खुशी में घर पे एक अच्छा खासा सेलिब्रेशन हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रोहित अपने ससुराल में भी अच्छे से सेटल हो गया था। सुबह बिजनेस का काम और शाम को दारू का जाम, ये तो रोज रोज का किस्सा हो गया था। फिर एक दिन, रोहित क्या हुआ, ये रोज रोज इतना सारा दारू क्यों पीते हो आप? तो क्या हो गया, मैं कमाता हूँ उड़ाता हूँ, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी कभी महसूस होने दी है? फिर क्यों रुबाब झाड़ रही हो, जाओ यहाँ से। देखो मैं साफ साफ बोल दे रही हूँ, भाभी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, एक दिन आपको घर से थप्पड़ मार के निकाल देगी। हाँ चल हट, जा यहाँ से। रोहित गुस्से से रानी को थप्पड़ मारते समय राजलक्ष्मी और राकेश देख लिए। बहुत हो गया रोहित भैया, ये यहाँ पे नहीं चलेगा अब, और आप हमारे सामने रानी पे हाथ उठा रहे हैं। शिवा शिवा, ची ची ची, सच्चा नील रिट्रेट। बहू, हमारे यहाँ जमाई से ऐसे बात नहीं करते, ये क्या बदतमीजी है, उनका जो मन करे वो करेंगे, उनका पैसा उनकी मर्जी। चुप करो सब, रोहित बेटा मेरे लिए एक पेग बना दो। ये क्या बात हुई जी, वो जमाई है तो क्या यहाँ पे दारू का अड्डा खोलेगा, और आज तो वो रानी को तप्पड़ भी मार दिया। अरे लक्ष्मी, वो उनका पर्सनल मामला है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए उसमें। अजी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे ही घर पे हमारे ही बेटी पे हाथ उठा रहा है वो। जी जी, तू कैसा भाई है तू। राकेश को अच्छा खासा सुना के राजलक्ष्मी बाहर आई तो रानी वहाँ पे रो रही थी। भाभी मैं क्या करूँ अब, उस बार भी ऐसे ही नशे में डूब के बिजनेस गवा दिए थे, इस बार भी वही होने जा रहा है, मैं क्या करूँ। तुम चिंता मत करो रानी, मैं ही कुछ करता। अगले दिन सुबह राजलक्ष्मी की एक रिलेटिव भुवनेश्वरा उनके घर पहुंचे। नमस्कारम। नमस्ते। आइयो राजलक्ष्मी को बुला दीजिए प्लीज। लगता है आपसे पहले कभी मिला हूँ। शेर, ठीक बोल रहा तू।
मे भुवनेश्वर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल राजशेखर तमिलनाथन रामकृष्ण वेंकटेश्वर जगन्नाथ बालमुरुगन मरियप्पन त्रिचुरापल्ली सुब्रमण्यन स्वामी। हाँ हाँ याद आ गया, रुको बुलाता हूँ, सारा नशा उतार दिया। अयो अन्ना तू कैसी है? राजलक्ष्मी अपने कजिन अन्ना को रोहित के बारे में सारी बातें बताई और अन्ना भी उसको एक अच्छा खासा आइडिया दे दिया। डोंट वरी राजलक्ष्मी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अन्ना के प्लान के मुताबिक राजलक्ष्मी उनके रिश्तेदार में एक डॉक्टर बालमुरुगन से कांटेक्ट की। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये दवा बस उल्टी करवाएगा और रोहित 2 दिन उल्टी करने के बाद वीक हो जाएगा, उसे मेरे पास ले आना, आगे मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। राजलक्ष्मी और रानी दोनों मिलके डॉक्टर के दिए हुए दवा को हर एक दारू के बॉटल में थोड़ा थोड़ा करके मिला दिए और शाम को क्या हुआ आपको? मैं बोल रही थी ना मत पियो इतना। अरे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, जा यहाँ से। रोहित उस दिन जितनी बार दारू पिया उतनी बार उल्टी करता रहा, ऐसे 2 दिन चला। फिर तीसरे दिन को बहुत वीक हो गया था और उठने बैठने के हालत में नहीं था, तो सब उसे हॉस्पिटल ले आए। देखो रोहित, अब आपको अल्कोहल सूट नहीं कर रहा, लिवर भी डैमेज हो रहा है, लगता है आप रेगुलर पीते हो। बहुत ज्यादा। आज से आपको अल्कोहल बंद करना होगा और एक बात याद रहे, मंथली 1 बार पी सकते हो बस, पर बहुत कम मात्रा में, नहीं तो आगे ये जानलेवा हो सकता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रोहित का मन दारू से हट गया और कुछ दिनों में उनके नए घर का काम भी खत्म हो गया। भाभी हम चलते हैं, उस दिन की बदतमीजी के लिए माफ कर देना, सॉरी। अयो कोई बात नहीं, हम माइंड नहीं करता जी। और एक बात याद रखना, जब दारू पीने का मन करता तब जूस पीना। अयो कोई मिस्टेक हो गया जी। सोनाखेत गांव में कस्तूरी नाम की एक छोटी सी लड़की अपने बापू मधुसूदन के साथ रहती थी। मधुसूदन एक शिल्पकार था जो मिट्टी का पुतला बनाकर पास के बाजार में बेचता था। बापू ये देखो मैंने क्या बनाया है। अरे वाह कस्तूरी, तूने इतना अच्छा पुतला बना दिया, पर मैंने तो तुझे कभी नहीं सिखाया। बापू मैं आपको देख देख के सब सीख गई हूँ, और आपको पता है इस पुतले का नाम क्या है? इसका नाम है संभव। मैं इस पुतले को हमेशा अपने पास रखूंगी। देखते ही देखते कस्तूरी 21 साल की हो गई और उसके बापू ने उसकी शादी अमित नाम के एक लड़के से करवा दी जो बहुत पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी भी करता था। माँ मैंने कितनी बार बोला आपको मुझे किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है, पर आप मेरे बातों को अनसुना करके एक गांव की गवार से शादी करवा दिए। चुप कर पागल, कस्तूरी बहुत अच्छी लड़की है, शहर के तौर तरीके भी जल्द ही सीख जाएगी। अब जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। माँ की बात मानकर अमित कस्तूरी से शादी करके घर तो बसा लिया, पर उसके दिल में वो प्यार और इज्जत कस्तूरी के लिए कभी नहीं था। अजी सुनते हो, ये लो आपका टिफिन बॉक्स, और आज घर थोड़ा जल्दी आ जाना, पास के गांव में एक मेला लगा है, मुझे भी जाने को बहुत मन है। हाँ गांव की एक गवार से और क्या उम्मीद की जा सकती है, मेला देख के ही बड़ी हुई होगी। मैं नहीं आ सकता, जाना है तो अकेली चली जाना। अरे सुनिए ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कस्तूरी अमित की बातों से दुखी होकर रोने लगती है, तभी उसकी सासू माँ आकर पहुँच जाती है। कस्तूरी देख बहू, तू ऐसे रोएगी तो अमित का प्यार कभी हासिल नहीं कर पाएगी। हाँ तुझे पढ़े लिखे लोग कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, खुद को कैसे सजा के रखते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। हाँ माँ जी
मुझे तो सीखने का बहुत मन है, पर ये मुझे ना तो कुछ सिखाते हैं और ना ही कहीं लेकर जाते हैं, फिर मैं इस चार दीवारी के अंदर क्या सीख पाऊंगी। कस्तूरी की सास को जितना कुछ पता था वो उसे समझाने की कोशिश करती रहती थी। कस्तूरी, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, ये पुतला लेकर हमेशा क्यों बैठ जाती हो? कोई खजाना छुपा रखा है इसमें? अरे आप भी ना, ये पुतला नहीं, इसका नाम संभव है। मैंने बचपन में खुद अपने हाथों से बनाया था। आप मेरा पहला प्यार हो और ये संभव मेरा दूसरा प्यार। प्यार? हम्म, दिहाती कहीं की। शादी के 7 साल बाद भी ना तो कस्तूरी बदली थी, ना ही अमित का गुस्सा प्यार में बदला था। इसी बीच उनको एक बेटी भी हो गई थी जिसका नाम था राधा। अमित अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए जब राधा 5 साल की हो गई, उसको ट्यूशन पढ़ाने शहर से एक मॉडर्न टीचर को घर पे बुलाया। देखिए कस्तूरी मैडम, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है, मैंने उसे कुछ होमवर्क दिया है, आप उसकी मदद करना। होमवर्क? मैम, आप किसको क्या करने बोल रहे हैं? ये एक अनपढ़ गवार है, इसे तो ये भी पता नहीं कि होमवर्क होता क्या है। मैं राधा को पढ़ाऊंगा। अमित के ऐसे बर्ताव से कस्तूरी रोज रोती थी। फिर एक दिन, कस्तूरी मुझे आज घर आने में लेट हो जाएगा, ऑफिस में पार्टी है, मेरा इंतजार मत करना। अजी सुनिए ना, मुझे भी पार्टी में लेकर चलिए, मैं ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी। पार्टी जाएगी गवार कहीं की। उस दिन ऑफिस पार्टी खत्म होने के बाद अमित अपने घर लौट रहा था और अचानक से अंधेरे में एक ट्रक सामने से आते देखकर उसने अपना कंट्रोल खो दिया, फिर उसकी गाड़ी एक खाई में गिर गई। अगले दिन सुबह जब कस्तूरी और अमित के माँ को ये खबर मिली तो वो दोनों के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा था। कस्तूरी, जो होना था वो तो हो चुका, अब तू खाना पीना बंद कर देगी तो क्या अमित वापस चला आएगा? माँ जी, मैं उन्हें कभी खुश नहीं कर पाई, मेरी वजह से हमेशा दुखी रहते थे वो, और आखिर में ये दुनिया छोड़ के चले गए, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अमित के जाने के बाद घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया था, ऊपर से राधा एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी जिसका फीस भी बहुत ज्यादा था। बहू, राधा की एडमिशन हम किसी सरकारी स्कूल में करवा देंगे, अब उसके बड़े स्कूल का फीस दे पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। नहीं माँ जी, आपके बेटे चाहते थे कि उनकी बेटी राधा सबसे बड़े स्कूल में पढ़े, मैं हर हाल में राधा को उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। पर पैसे, पैसे कहाँ से आएंगे? कस्तूरी ना तो पढ़ी लिखी थी, ना ही बाहर की दुनियादारी देखी थी, ऐसा कौन सा काम उसे मिलता भला? फिर वो मिट्टी का पुतला बनाना शुरू कर दी और उसे पास के बाजार में बेचने लगी। पुतला ले लो पुतला, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पुतला, घर सजाना, बच्चों का खिलौना, यादें बनाना, सब कुछ करता है ये पुतला। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। मुझे तुम्हारा खिलौना बहुत पसंद आया, क्या तुम इन पुतलों को और जगह पे बेचना चाहोगी? मैडम, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं। वो एनजीओ की लेडी कस्तूरी से पुतला लेकर दूसरे शहरों में और ऑनलाइन भी सेल करने लगी। अब कस्तूरी बाजार में अपना एक बड़ा सा दुकान भी खोल दी जिसका नाम रखी संभव, और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में संभव पूरे इलाके में फेमस हो गया। माँ जी, मैं आज राधा के स्कूल जा रही हूँ, अगले कक्षा के लिए 1,00,000 रुपए जमा करना है। हाँ कस्तूरी, जा दे या। अब कस्तूरी के हालात काफी सुधर गए थे, घर पे पैसों की कोई कमी नहीं थी। फिर एक शाम,
अरे अचानक से इतने जोर जोर से बारिश क्यों होने लगी? मैं घर कैसे जाऊंगी? अब छाता भी नहीं लाई हूँ। ओहो, बारिश को देख कस्तूरी परेशान हो गई, पर समय बर्बाद ना करके वो अपनी दुकान की साफ सफाई करने लगी। तभी एक आवाज सुनाई दिया, मुझे एक पुतला खरीदना है। ग्राहक की तरफ ना देखते हुए कस्तूरी पूछी, कौन सा पुतला चाहिए साहब? जिसका नाम संभव है। आप? आप? हाँ कस्तूरी, मैं जिंदा हूँ। पर ये सब? जब मेरी गाड़ी खाई में गिरी तब मैं गाड़ी से कूद के जंगल में गिर गया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर टूट गए। फिर वहाँ के कुछ लोकल लोग मेरा इलाज किए और महीनों लग गए मुझे ठीक होते होते। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप घर वापस आ गए। मुझे माफ कर दो कस्तूरी, तुमसे अच्छी पत्नी तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती थी। आज मुझे यकीन हो गया, चाहे हजारों डिग्रियां या सर्टिफिकेट्स हों, पर जिंदगी में वही लोग कुछ कर पाते हैं जिनमें हुनर और हौसला है। उसी दिन से कस्तूरी का परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब अमित के दिल में कस्तूरी के लिए प्यार और इज्जत बहुत बढ़ गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।